अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, सलामत होंगे। तो आप लोगों का ढेर सारा थैंक यू कि आपने पिछले व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो चलिए जी, एक और व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज की सुबह भी नॉर्मल सुबहों की तरह ही थी, जिस तरह सबसे पहले उठ के मेरा काम होता है ना सारा ट्रैश फेंकने का, तो वही मैंने किया। सुबह उठी, बाहर की थोड़ी खबर गिरी ली, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सबको ताड़ा, मोहल्ले में सबकी खबर रखनी चाहिए। ठीक है, मजाक कर रही हूँ मैं सुबह निकलती हूँ तो इधर उधर देख लेती हूँ, 5-10 मिनट बाहर टहल के ना फ्रेश एयर अपने अंदर ले लेती हूँ, मनी प्लांट देख लेती हूँ, उसका पानी चेंज करना हो तो चेंज कर देती हूँ, स्प्रे करना हो तो स्प्रे वगैरह कर देती हूँ। रोज़ नहीं करती, मैंने आपको बताया अल्टरनेट डेज पे या 2 दिन के बाद करती हूँ। अरे जनाब, आज मेरा बिरयानी बनाने का बहुत दिल करा था, बिरयानी खाने का बड़ा दिल करा था, और मैं जनाब बिरयानी बड़ी अच्छी बनाती हूँ। मैं अपने मुँह से तारीफ नहीं करूँगी, कभी मैंने बिरयानी बनाई मेरे घर कोई खास रिलेटिव या कोई आया हुआ हुआ तो मैं उनसे पूछवा दूँगी आपको ना। तो बाकी जैसे नहीं कही वो खा सकता है मेरे घर आके बिरयानी। और आज मुझे पानी वानी बॉयल नहीं करना, पानी के कल सा पानी से फिल है, सौदा सारा आ गया था। मैंने व्लॉग आज बहुत लेट शुरू किया है क्योंकि रोज़ाना एक जैसा व्लॉग बनाने का ना फिर मज़ा नहीं आता। खैर जनाब, अभी जो है ना दोपहर हो गई है, बच्चे मेरे सो गए हैं, तो इसीलिए ना मैं बिरयानी का मसाला चढ़ा दी थी, फिर जब हस्बैंड आएंगे ना तो चावल वगैरह वो बॉयल करके तेल लगा दूँगी। अच्छा जी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने मोहम्मद मुश्तबा की ना कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। वो क्या है जनाब, मैंने जो है ना मुश्तबा की नमाज़ की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना मुश्तबा के पीछे पड़े होते हैं, सही है कि नमाज़ पढ़ लो मस्जिद चले जाओ, मस्जिद क्यों नहीं जाते, ये वो सही है। लेकिन अब भाई देखिए, जिस चीज़ का जो वक्त होता है ना, बच्चा तभी उस चीज़ को एडॉप्ट करता है, सही है। काफ़ी मंथ्स हो गए हैं, काफ़ी महीने हो चुके हैं जो है ना, मेरा मुश्तबा के दादा भी मुश्तबा से कहते थे मस्जिद चलो मस्जिद चलो, और वो फ़ौरन मना कर देता था कि मैंने नहीं जाना। ठीक है, और घर पे पढ़ लेता था नमाज़, तो फिर उसको काउंसलिंग करते थे कि नहीं बेटा जाया करो, बच्चे जाते हैं उनके दादा लेके आते हैं उनके बाबा लेके आते हैं, मस्जिद में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बट बच्चों को समझ नहीं आई उसको ना, उसको कुछ समझ नहीं आई, वो जब उससे पूछो तो वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देता था। तो खैर जनाब, मैंने कहा चलो जी, स्कूल की भी छुट्टी है, आज मैं ज़रा इनसे दोबारा बात करूँ, जैसे कि हस्बे मामूल मैं करती हूँ। तो वही हंस में मामूल जो है, मैंने इनसे आज बात करी, तो ये पता नहीं किस तरह अग्री हो गए कि ठीक है मम्मा मैं अब नमाज़ पढ़ने जाया करूँगा। तो मैं बहुत खुश हो गई ना, मैंने कहा यार चलो शुक्र है। फिर मैंने इनसे कहा चलो आज अब मम्मा आज आपको वज़ू करना सिखाती हैं, तो ये अग्री हो गए उस बात पर भी कि चलें ठीक है आप मुझे वज़ू करना सिखाएं। तो मैं कुछ बेसिक स्टेप इसको सिखा रही थी क्योंकि डेफिनेटली अभी 5 साल का बच्चा है, उसे कुछ समझ तो आ रही नहीं है इतनी ज़्यादा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये होता है कि अपने मतलब की बच्चों को सब अक्ल होती है, तो जनाब अपने मतलब की अक्ल तो जानवर को भी होती है, जानवर को भी पता होता है कि उसे भूख लगी है और गंदी जगह है, उसे यहाँ नहीं बैठना है। सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर ये तो इंसान के बच्चे हैं और हम कोई बच्चों को डिक्टेट थोड़ी करने आए हैं, हम उन पर अपनी हुकूमत थोड़ी कर रहे हैं, उनकी भी लाइफ है, उन्हें भी जीने का पूरा हक है। और अभी तो ये छोटे हैं, अल्लाह ताला ने भी नमाज़ का हुक्म बच्चों पे 7 साल के बाद दिया है। ठीक है, 7 साल के बाद नमाज़ फ़र्ज की गई है और उस पर भी डायरेक्ट उठते ही मारने का सख्ती करने का हुक्म बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैं तो बच्चों को मारने की बिल्कुल कायल नहीं हूँ, कि जो लोग कहते हैं ना कि बच्चों को मारा करो मारा करो मारा करो, तो नहीं मैं नहीं मारती। हाँ, जब बहुत कोई गलत बात करी हो, बहुत ही बदतमीज़ी करी हो किसी बड़े से, कोई गलत मतलब जो हद पार हो जाए ना मेरी जिस चीज़ पे कि हाँ भाई ये नॉन एक्सेप्टेबल है बिल्कुल, तो वहाँ फिर मैं इनकी पिटाई भी कर देती हूँ। लेकिन वैसे हर बात पे बच्चों को मारना मारना नहीं, मैं बच्चों को मारने की बिल्कुल कायल नहीं हूँ। मेरी ये होता है कि यार हर बच्चे की एक एज होती है, उस सर्टेन एज पे जाके बच्चा उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा, उसको प्रेशर डालना कि वो उस चीज़ से फिर चिढ़ जाए। और देखिए, बोलने से बच्चे नहीं सीखते, बच्चे अमल से सीखते हैं, बच्चे जो देखते हैं बच्चे वो करते हैं। ठीक है, तो अब जाके इनको समझ आइए, मुझे देख देख के इन्होंने जो है ना नमाज़ की मतलब एग्री हो गए कि ठीक है मैं आपके साथ पढ़ूंगा। तो आज मैंने इनको जो है ना यहाँ खड़े होकर अपने साथ नमाज़ पढ़ा रही थी। नमाज़ में मुश्तबा को काफ़ी दफ़ा पहले भी अपने साथ खड़े होकर पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन क्लिप मैंने आज रिकॉर्ड किया था कि मेरे लिए एक मेमोरी हो जाएगी कि आज मेरे बेटे ने वज़ू करना सीखा है, थोड़ा थोड़ा ही सही सीखा है, और जो है ना प्रॉपर मैंने वीडियो क्लिप बना लिया कि नमाज़ पढ़ी है मेरे साथ। खैर जनाब, तो बस मैं यही कहती हूँ कि बच्चों को प्रेशर नहीं डालना चाहिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है, बच्चे अपने वक्त पर ख़ुद ही उस चीज़ को सीख लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, प्रेशर डालने से कुछ नहीं होगा, वो चिढ़ जाएंगे। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें प्यार से समझाएँ या अपने अमल से सिखाएँ। ठीक है, मेरी भी अब कोशिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह
माशाल्लाह मैं अलार्म लगाती हूँ फजर की नमाज़ का, फजर के लिए उठती हूँ, फजर के टाइम नहीं उठती फिक्स, ठीक है 6:30 बजे उठती हूँ मैं, 6:30 का अलार्म लगाती हूँ भाई, 6:30 बजे उठती हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, मैंने आप सबको शेयर ही करा है। मैं भी अब अपनी रूटीन सेट कर रही हूँ, मैं भी अपना एक घर का माहौल बनाना चाह रही हूँ कि ठीक है मेरे बेटे को आदत हो, वो मुझे देख देख के उसके अंदर भी मोहब्बत पैदा हो। वैसे भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं जितना ख़ुद भी शुक्र अदा करती हूँ ज़मान से, मेरी औलाद को भी मैंने शुक्र अदा करना सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैंने मुश्तबा को खाना खा के उठता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वो अच्छे कपड़े पहनता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, सही है, वो अच्छे घर में रहता है इस बात का वो शुक्र अदा करता है। मैंने अपने बच्चों को शुक्र अदा करना सिखाया है कि आप छोटी छोटी चीज़ का, हर खुशी का जो आपको मिलती है, फल खाने को मिलते हैं, आपकी कोई फरमाइश बेटा फ़ौरन पूरी हो जाती है, आप उसका शुक्र अदा किया करो। मैंने ये सिखाया है मुश्तबा को कि शुक्र अदा करने से अल्लाह और देता है, बेशक मेरा रब बहुत नवाजता है शुक्र अदा करने से। तो बस मैं आज का व्लॉग है ना इसी चीज़ पे है सारा कि भाई बच्चों को फोर्स ना करें, उनका भी बचपन है, उन्हें खेलने दें, फिर ये बड़े हो जाएंगे, फिर ये ना हमारी गोदों में आएंगे, फिर ना ये इस तरह खेला करेंगे, अभी इनका बचपन है, इनको इन्जॉय करने दें, ठीक है। तो बस ये व्लॉग था, किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए माजरत, मैंने यहाँ किसी को कोई हाईलाइट नहीं किया, मैं एक जनरल सी बात कर रही हूँ कि मेरी ये थिंकिंग है। आप लोगों में से जो मेरी जैसी राय रखता है वो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताए कि आपकी मेरे से एग्री करते हैं या नहीं करते, या आपकी क्या सोच है कि बच्चों को कब नमाज़ के लिए क्या करना चाहिए और कब नमाज़ के लिए डांट डपट करनी चाहिए या किस एज में नमाज़ की हिदायत करनी चाहिए, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। और इनको देखम देखी माशाल्लाह मेराल भी जो है ना वो कभी कभी बस मेरे नमाज़ के आगे आ जाती हैं, नमाज़ में जब पढ़ी होती हैं और खुश जाके सिजदा कर लेती हैं, ये उनकी है रूटीन, तो ये या कभी हमारे मुंह पे आके खड़ी हो जाती है, हम सजदा नहीं कर सकते, ये होता है। और ज़्यादातर उसने जो है ना मुझे नमाज के टाइम ही तंग करना होता है। खैर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं माशाल्लाह से मुझे 4 नमाज तो मिल जाती हैं, लेकिन उसमें हार्डली ही मैं फ़र्ज़ पढ़ पाती हूँ, फ़र्ज़ एंड सुन्नत, ये होता है। लेकिन बस मेरी कोशिश होती है कि फ़र्ज़ भी मिल रहे हैं ना तो मैं अदा कर लूँ, कम से कम उस नमाज़ को कज़ा ना करूँ, ये होता है मेरे साथ। खैर जनाब दुआ करिएगा अल्लाह पाक मुझे भी नमाज़ का पाबंद बना दे और जो है मैं भी 5 वक्त की नमाज़ की पाबंद हो जाऊँ। अल्लाह ताला आप लोगों को भी नमाज़ का पाबंद बनाए और शुक्रगुजार बनाए, मुझे भी शुक्रगुजार बनाए, आपको भी शुक्रगुजार बनाए और हम सब के घरों को जो है ना शैतान के शर से महफूज रखे। बस तो यहाँ पे जो है ना मुश्तबा मेरे साथ साथ जो स्टेप्स मैं कर रही थी वो कर रहे थे, जो दुआएं उनको आती हैं वो पढ़ रहे थे, जो नहीं आती वहाँ मैंने उन्हें सिखाया कि बस आपने चुप होके सुनना है। ये नेक्स्ट डे की एक पिक्चर है जब मैंने बच्चों को नहला धुला के इनको नमाज असर के लिए मस्जिद भेजा था इनके दादा के साथ, तो ये उस दिन की पिक्चर है। तो ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।